रहो, आप आनंदित रहो, समझ रहे हो ना। महाराज जी, मैंने श्री जी को अपनी बहन माना है। महाराज जी, अब मैं उन्हें अपनी प्यारी सखी बनाना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? पहले खूब नाम जप करो, नाम जप करते रहो, ये सब भाववाद की बात है। नाम जप करोगे तभी भाव टिकेगा। अभी बच्चे हो ना, खूब राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, अपने माता पिता के पैर छुओ, उनकी आज्ञा में रहो। जो पढ़ाई पढ़ रहे हो वो भी श्री जी की ही है, उसको ये मानकर खूब अच्छे विद्यार्थी बनो। ऐसा नहीं कि अब पढ़ना लिखना नहीं, ऐसा अच्छे विद्यार्थी बनो, अच्छे पुत्र बनो, तब तो अच्छे भाई बनोगे। अगर श्री जी को बहन मानते हो, अच्छे भाई बनने के लिए पहले पुत्र बनो, माता पिता को तुम्हारे आचरण अच्छे लगे। अपने माता पिता के पैर छूते हो रोज? नहीं छूते, फिर कैसे तुम श्री जी के कैसे भाई बन सकते हो? पहले सोचो, माता पिता की पहले आज्ञा में रहो, माता पिता जो कहें वैसा करो, रोज उनके पैर छो माथा रख करके, समझ रहे हो? हाँ, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता, तो याद करने का मतलब क्या है यार? आचरण में लौतारे तो याद कर ले से क्या होगा, समझ रहे हो ला? हाँ, पहले ऐसे करो, कोई भी बुजुर्ग है हाथ जोड़ करके, परिवार का या बाहर का भी हाथ जोड़ कर, तुम्हारे अंदर जितनी नम्रता बढ़ेगी उतने तुम श्री जी के लाडले भाई बनोगे। अब माता पिता को मानना नहीं, पढ़ना लिखना नहीं, तो फिर ऐसे कैसे तुम बन पाओगे? फिर तुम्हारा भाव ही नहीं बनेगा, समझ रहे जी? प्रीति जी दिल्ली से, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरा